नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम, केम छो? आप लोग बढ़िया होंगे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। इस सेशन की इम्पोर्टेंस ना कि केवल एग्जाम तक है, बल्कि आप ये समझकर चलना कि ये हमारी लाइफ के लिए भी है, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस सेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ना कि इस सेशन की केवल, और वाकई में जो इम्पोर्टेंस है वो आपका है वेटलैंड की, क्योंकि वेटलैंड क्या है, इसके अंदर किस प्रकार से आपका इम्पोर्टेंस को हमें समझना जरूरी है, और आज का दिन ही क्यों खास है। तो आपको बताना चाहूंगा कि आज है आपका 2 फरवरी, और 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे की इंपॉर्टेंस क्यों है, और सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये वेटलैंड होते क्या हैं, इनकी आपकी नेचुरल जो आपका एनवायरनमेंट है इसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक वेटलैंड क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें तो एक वेटलैंड क्या है, वेटलैंड एक ऐसा एरिया है या एक ऐसा लैंड का पार्ट है जो कि आपका कवर्ड है पानी के साथ, चाहे वो आपका फ्रेश वाटर है या आपका सॉल्ट वाटर है, दोनों में से किसी भी प्रकार का पानी है और उसके द्वारा वो लैंड अगर कवर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं वेटलैंड। और यहां पर एक चीज और याद रखना कि वो आपका सीजनली भी हो सकता है या परमानेंट भी हो सकता है, मतलब जैसे बारिश के आने के बाद पोस्ट मानसून के टाइम पर अगर आपका एरिया पूरा का पूरा पानी के द्वारा भर जाता है और लॉन्ग टाइम तक अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 months के लिए उसमें पानी आपका खड़ा रहता है, और वो आपका एक ऐसा एरिया कंसीडर किया जाता है क्या, वेटलैंड। और उसके अंदर आपका क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आपको पता होना चाहिए कि पिछले 50 साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 35% वेटलैंड क्या हो चुके हैं, अर्थ से खत्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि रीजन क्या है कि इस वेटलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या करते हैं ये, तो आपको बताना चाहूंगा कि इस वेटलैंड के अंदर जिस प्रकार से हमारा रिवर्स मार्सी लैंड जो दलदली एरिया आपका होता है, मैंग्रोव जो आपका एरिया होता है, ठीक है, स्वैम्प्स का जो एरिया होता है, पोंड्स है, मड फ्लड्स है, लैग्यून्स है, लेक, फ्लड प्लेन, ये सारा एरिया ही हमारा वेटलैंड में ही कंसीडर किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो ये वेटलैंड की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों वेटलैंड को हम इतना महत्व दे रहे हैं, तो देखिए यहां पर बताना चाहूंगा कि एक्चुअली के अंदर प्रेजेंट टाइम आपको यह समझना पड़ेगा कि 50% जो आपकी डायवर्सिटी है अप्रोक्सीमेटली आपकी वेटलैंड से बिलोंग करती है, और वेटलैंड आपका फूड में भी, लाइवलीहुड के अंदर भी, लोगों को अगर हम बात करें तो वहां से फूड आपका जो उस एरिया के आसपास होते हैं उनको फूड की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने में भी वेटलैंड का बहुत बड़ा रोल है। और अगर हम बात करें तो वेटलैंड से आपका इकोसिस्टम दुरुस्त होता है, ये कार्बन के सिक्वेस्ट्रेशन के लिए या फिर यूं कह सकते हो कि कार्बन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एज वेल एज आपका जो वेटलैंड्स है इसके बारे में यूं भी बताना चाहूंगा कि आपका जो वेटलैंड्स होते हैं यहां पर ना कि केवल वर्ड्स आपके बर्ड्स, बाकी इसके अलावा जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके भी प्रिजर्वेशन के लिए ये हमें हेल्प मिलती है, और वहां के उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर जो स्पीसीज होती हैं उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका वेटलैंड। लेकिन आज इंडिया में ये वेटलैंड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा खत्म होते जा रहे हैं। स्पेसिफिकली क्यों बात करूं तो आपके यूपी के अंदर, आगे हम बात करेंगे यूपी की केस स्टडी के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आपका वर्ल्ड वेटलैंड जो है, जो आपका 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो देखिए यहां पर बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे है इसके बारे में ऑलरेडी बताया कि क्यों मनाया जा रहा है, रीजन क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड है क्या, और दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहां पर ये आपका काम क्या करता है, मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे की जो थीम है आज 2024 के अंदर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो 2024 की थीम है वो है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। तो आपका यहां पर ये एक कोलैबोरेशन एक प्रकार से यूं कह सकते हो कि आपका क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि यहां पर वेटलैंड जो है वो आपके ह्यूमन बींग की लाइफ को वेल करने में, उसको अपलिफ्ट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे, क्योंकि यहां से आपको फूड प्रोडक्शन यानी कि फूड की अवेलेबिलिटी होती है, क्लीन वाटर, क्योंकि वाटर का रिसाइक्लिंग प्रोसेस है उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज वेल एज यहां पर बायोडायवर्सिटी, मैंने ऑलरेडी बताया कि बहुत सारी स्पीशीज अकर करती है, और इसी के साथ आपका रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन की जो हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी है उसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कौन, आपका वेटलैंड। तो उसी के बिहाफ पर इस थीम को आपका डिजाइन किया गया है कि वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, कि आपके जो वेटलैंड्स है वो ह्यूमन के वेलबींग
वेलबींग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इनको बचाना भी क्या है आपका जरूरी है। देखिए यार, आज प्रेजेंट टाइम में क्या है कि हम लोगों ने ना अपने आसपास के सिस्टम को ही थोड़ा सा अपने आप को मान लिया कि हम ना अपने आप पर ही फोकस कर रहे हैं। हमारा जो एनवायरमेंट है लगातार खत्म होता जा रहा है, ये हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और ना ही हम इनके बारे में सुनना चाहते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे लिए तो है ना, क्योंकि ये सब फ्री में है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे लिए फ्री में अवेलेबल है, चाहे वो आपका पानी है, चाहे वो आपके एयर है, चाहे आपका एनवायरमेंट है, ये सब आपके लिए सबसे ज्यादा कॉस्टली है। आपकी शांति, आपकी जो माइंड पीसफुलनेस, ये सब आपके लिए फ्री है, लेकिन यही हमारे लिए सबसे ज्यादा कॉस्टली साबित होने वाले हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि आज हमने इनकी इंपॉर्टेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया है। रीजन, क्योंकि हमने क्या माना है कि शायद ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, इनको हमने क्या मान लिया, एक प्रकार से वो वर्ड्स यूज करते होते ना कि हमने इनको गारंटेड ले लिया है, और इसी वजह से हम लोग क्या होते जा रहे हैं इसमें आपका बिना एंगेज हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी कोशिश के अंदर उनकी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन वो लोग तो करते रहते हैं लेकिन उनके पास वाले नहीं बदलते हैं। तो आज बदलने की आवश्यकता है, आज समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका एनवायरमेंट लगातार खत्म होता जा रहा है। हमें समझना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा, तभी हम इस एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आने वाले टाइम में हमारी जनरेशन हमें गालियां निकालने वाली है, और वो भी बहुत ज्यादा। रीजन क्या है? क्योंकि हम ये काम नहीं करने वाले। ठीक है, चलिए वापिस आते हैं। हमने क्या बोला कि वेटलैंड सपोर्ट्स ओवर 1 लाख स्पीसीज। आपकी वेटलैंड जो है 1 लाख स्पीसीज से भी ज्यादा यहां पर स्पीसीज को सपोर्ट करता है, मतलब वहां पर अवेलेबल है, एज वेल एज ये फाउंडेशन यानी कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ आपका वेटलैंड पैडी यानी कि आपका वेटलैंड के अंदर राइस को ग्रो करवाया जाता है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में 20% ग्लोबल फूड प्रोडक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यानी कि आज राइस का जो स्टेपल फूड माना जाता है, उसका अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन पीपल्स को वेटलैंड से ही आपका राइस जो है अवेलेबिलिटी हो रहा है। क्योंकि राइस क्या है, एक हाई वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप है, तो डेफिनेटली हाई वाटर सर्ज इसके लिए रिक्वायरमेंट होगा, तो वो कहां से आएगा? तो वहां पर आपका वेटलैंड उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सहारा बनता है उसको ग्रो करवाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका ये एक प्रकार से नेचर से हमारा कह सकते हैं कि आपका फ्लड के रिस्क को कम करता है, वाटर को साफ करने का काम करता है, कार्बन कॉन्सेंट्रेशन का काम कर रहा है। ठीक है, और इसी के साथ एफएओ भी एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो कि आपका वेटलैंड कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए इसमें क्या कर रही है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो एफएओ आपका वर्क करता है फूड सिक्योरिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, फिशरीज के लिए, एक्वाकल्चर के लिए, और उनको जो है आपका सपोर्ट करना, उनको कंजर्व करना और उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो उसमें आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वेटलैंड डे की हिस्ट्री क्या है, मतलब ये जो 2 फरवरी से हमारा बनाया जाता है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसकी क्या कहानी है? तो बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड वेटलैंड जो है आपका रामसर कन्वेंशन जो आपका 1971 के अंदर हुआ था, रामसर कन्वेंशन, उसी से ये आया था, वहीं से ये हाइलाइट हुआ था और वहां से समझ में आने लगा था कि वेटलैंड का क्या रोल है। तो ये रामसर क्या है? रामसर एक्चुअली के अंदर आपकी एक साइट है, एक जगह का नाम है जो कि आपकी कहां पर है, ईरान में है, और ईरान में 2 फरवरी को ये आपका एक कन्वेंशन हुआ था। इसी कन्वेंशन में एक ट्रीटी साइन हुई थी, डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड लेवल पर जो भी हम लोग साइट डिसाइड करेंगे, जो आपकी वेटलैंड साइट मानी जाएगी, इंपॉर्टेंट मानी जाएगी वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, इंडिया सॉरी एक कंट्री के रिस्पेक्ट में या आपका एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल रिस्पेक्ट में, तो उस केस में उस साइट को नाम दिया जाएगा रामसर साइट। रामसर के अंदर ये कन्वेंशन हुआ था और उसी कन्वेंशन के बिहाफ पर बोला गया कि जो भी आपका इन कंट्रीज के इस कन्वेंशन में जो कंट्री शामिल होगी, उन सभी कंट्रीज के अंदर जो भी आपकी नई वेटलैंड की साइट फाइंड आउट की जाएगी, जो आपकी नेशनल या एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखती है, उसको आपका नाम दिया जाएगा रामसर साइट। तो इसी प्रकार से आज हमारे इंडिया के अंदर टोटल 80 यानी कि 80 रामसर साइट है। आज से पहले 75 थी, लेकिन रिसेंटली आपका 5 साइट्स को और ऐड किया गया है इसी वेटलैंड डे के ऊपर, यानी कि आज के दिन। ठीक है, चलिए, तो अब अगर हम बात करें तो टोटल यहां पर आपका मैंने क्या बताया कि 75 आपकी रामसर साइट्स थी, ये इंडिया के अंदर अभी आपका कितना था, 75 था, लेकिन अभी अभी कितना हो चुका है आपका, तो मैंने क्या बोला, अभी आपका 80 हो चुका है, 80 हो चुका है, क्योंकि 5 रामसर साइट्स को आज ही आपका ऐड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो रामसर साइट क्या होती है, तो मैंने अभी बताया कि इसके अंदर क्या है आपका, जो 1971 के अंदर एक ट्रीटी साइन हुआ था, इसी ट्रीटी साइन के अकॉर्डिंग जो भी आपका वेटलैंड एक इंपॉर्टेंस रखता है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखता है एनवायरमेंट ट्रीटी के अकॉर्डिंग, उसको रामसर साइट के नाम से जाना जाएगा और यहां पर ये आपका यूनेस्को के अकॉर्डिंग इसको जो है कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब आपका जो रामसर साइट वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट है वो कौन सी है, पंतनल है, जो कि साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट कहां पर है आपकी, पंतनल, साउथ अमेरिका के अंदर। और अगर हम बात करें तो आपका यहां पर एक चीज और समझना पड़ेगा कि इंडिया और रामसर साइट का कन्वेक्शन क्या है। तो ये आपको मैंने अभी बताया कि रामसर साइट्स एक्चुअली में 1971 से आपकी साइट स्टार्ट हुई थी, ये ट्रीटी साइन जब हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, लेकिन इंडिया जो है इस साइट का, इस ट्रीटी का हिस्सा कब बना था, 1982 के अंदर बना था। इंडिया जो है इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर, कन्वेंशन के अंदर 82 के अंदर शामिल हुआ। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो टोटल रामसर साइट 75 थी, इसमें आपका चिल्का लेक, कियोलेडो नेशनल पार्क राजस्थान, हरिके लेक पंजाब, लोकतल लेक मणिपुर, या फिर वुलार लेक जम्मू एंड कश्मीर, ये सब इसके अंदर क्या है आपकी शामिल है। एज वेल एज अगर हम बात करें कुछ की फैक्ट्स के बारे में, तो लार्जेस्ट रामसर साइट आपका इंडिया के अंदर कौन सी है, सुंदरबन है, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है। उसी के साथ स्मॉलेस्ट रामसर साइट जो है वो आपकी वेबन्यूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है तमिलनाडु के अंदर। और नेक्स्ट आपका स्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट तमिलनाडु के अंदर है, ये अभी तक आपका 14 था, लेकिन अभी ये कितनी हो चुकी है, 16 हो चुकी है, दो और ऐड हो चुकी है रिसेंटली आपकी, दो तमिलनाडु में और तीन कर्नाटका के अंदर ऐड हुई है। और आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया में सबसे ज्यादा आपकी रामसर साइट तमिलनाडु में है और सेकंड नंबर पर यूपी के अंदर है। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें तो वेटलैंड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ये क्या है कि ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आपका एक प्रकार से स्विट्जरलैंड के अंदर साइन हुआ था और इसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और नेशनल लेवल के ऊपर, उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये आपका केवलोडो नेशनल पार्क राजस्थान और आपका लोकतल लेक मणिपुर, ये दोनों इसके अंदर क्या की गई है, इंक्लूड की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका यहां पर जो 5 नई साइट्स को ऐड किया गया है, तो इसको साइट्स को ऐड करने में डॉक्टर मुसोनोदा मुबा, जो कि सेक्रेटरी है जनरल ऑफ द कन्वेक्शन ऑफ वेटलैंड और आपके यूनियन मिनिस्टर इंडिया के एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज लेबर के, उनका नाम है श्री भूपेंद्र सिंह यादव। तो इन्होंने इस पर्टिकुलर 5 साइट को अभी रिसेंटली हरी झंडी दिखाई है कि हमारे इंडिया के अंदर नई 5 आपकी जो है आपकी रामसर साइट्स हैं। एक आपका बर्ड सेंचुरी जो यहां पर करावती तमिलनाडु के अंदर है, सेकंड आपका मगेडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व जो कि आपका कर्नाटका में है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट जो कि आपका तमिलनाडु में है, और नेक्स्ट आपका आकाश मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि कर्नाटका में है, और आपका अघनसिनी एस्ट्रेज जो कि आपका अगेन कर्नाटका के अंदर है। टोटल ये आपकी 5 साइट्स है जिनको अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। अगर हम बात करें यहां पर तो ये 5 साइट, देखिए एक चीज को समझना पड़ेगा कि ये जो 5 साइट ऐड की गई है या पहले से जो आपकी साइट्स हैं, देखिए आपको इस सेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, रिसेंटली ये सेशन इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली लास्ट में देकर जाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में सेशन पे फोकस करो अगर आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यार इस सेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं आपको आज वेटलैंड के ऊपर इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि जब इसको पढ़ रहा था ना, वाकई में बहुत कुछ बढ़िया लगा। आप वाकई में यार मतलब नेचर को समझने की कोशिश करो, हमारे नेचर के अंदर कितना कुछ है जो हम कंजर्व करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं आने वाले टाइम के लिए, यही नेचर हमारी काम आएगी। आज नेचर बदल रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और बार बार ये चीजें हमें कंसर्न करनी चाहिए, और हम यूथ हैं और यूथ को समझ में नहीं आएगा तो किसको समझ में आएगा यार। आपको समझना है, आपकी धरोहर है और आपके बच्चों ने इसे आपको उधार में दिया है, उनको हमें सही सलामत वापस लौटानी है, तो डेफिनेटली हमें इसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा, इसको समझना भी पड़ेगा। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी कहीं ना कहीं मानवता जीवित है तो इनको समझो, इनको समझकर आगे भी बढ़ो, इनको बताओ दूसरे लोगों को कि क्या है ये चीजें, और इनको बचाने की भी कोशिश करो। आज नहीं समझ में आएगा लेकिन बहुत सालों बाद जब मर रहे होंगे तब समझ में आएगा, वरना यही जिंदगी है कि इसके अंदर निकल जाएगा ऐसा ही। ठीक है, आज क्या है कल क्या है, थोड़ा समझो इन चीजों को। मैंने क्या बोला कि ये आपकी जो 5 साइट्स ऐड की गई हैं, इन साइट्स के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो यहां पर टोटल आपका 3 साइट्स कर्नाटका में और 2 साइट्स आपकी तमिलनाडु में ऐड की गई है। टोटल एरिया जो यहां पर है आपका, ये आपका हेक्टेयर में है, जैसे यहां पर 5523 हेक्टेयर एरिया इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। टोटल जो आपका वेटलैंड एरिया इसमें इंक्लूड हुआ है, यानी कि टोटल अभी तक कितना हो चुका है, 1.33 मिलियन हेक्टेयर एरिया हो चुका है। और अभी मैंने बताया कि तमिलनाडु में मैक्सिमम रामसर साइट है 16, और आपका यूपी में कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी है। अगर हम बात करें तो इन अलग अलग जो आपकी 5 साइट्स हैं रामसर साइट्स, इनमें जो ऐड हुआ है, देखो मैं एक के बारे में बताना चाहूंगा अभी, बाकी और भी मैंने 5 का कंटेंट ऐड
ऐड कर दिया है, आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप इनको पढ़ लेना, है ना। इंटरेस्टिंग है, इसमें बताया गया कि जैसे आपका यहाँ पर आकाश मुद्रा बर्ड जो कंजर्वेशन रिजर्व है, इसके अंदर आपका टोटल एरिया है 98.76 हेक्टेयर एरिया, और अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप देखिए 210 स्पीसीज प्लांट हैं, 8 स्पीसीज आपके मैमल्स हैं, 25 स्पीसीज रेप्टाइल्स हैं, 240 स्पीसीज बर्ड्स हैं, और 41 स्पीसीज फिशेस हैं, 3 स्पीसीज आपके फ्रॉग्स हैं, और 27 स्पीसीज अगेन आपके यहां पर बटरफ्लाइज हैं, और 32 स्पीसीज आपके हैं ऑर्नेट्स। यानी कि अलग अलग आपकी स्पीसीज अगर आप यहां से देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी स्पीसीज है जो कि ये कंजर्व करके रखा हुआ है। और इसी प्रकार से ये एक नहीं है, आप लोग ये भी देखिए कि 1% जो आपका बायोजियोग्राफिकल पॉपुलेशन है किसका, पेंटेड स्टॉक, और दूसरा आपका ब्लैक हेडेड एबिस, ये दोनों के अप्रोक्सीमेटली 1% बायोजियोग्राफिकल पॉपुलेशन जो है वो इसी यहां पर आपके इस वेटलैंड के अंदर पाई जाती है। एज वेल एज अगर हम बात करें तो आपका अगेनेस्ट्री जो एस्ट्री है इसके अंदर अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि 4801 हेक्टेयर एरिया है, और यहां पर आपका ये एरिया अप्रोक्सीमेटली 6000 से 7500 फैमिलीज को आपका लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, उनको सपोर्ट करता है फिशिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एडिबल वॉवेल्स और क्रैब्स को वहां से आपका कलेक्शन करने के लिए, श्रिम्प एक्वाकल्चर के लिए, और आपका ट्रेडिशनल फिश फार्मिंग के लिए यहां से, और एज वेल एज यहां पर आपका यूस्ट्रियन राइस फील्ड है जिनको यहां पर गजनी राइस फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। एज वेल एज अगर हम बात करें तो आपका मगाडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व है, और मगानी केरे कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो इसको भी समझने की कोशिश करें कि ये क्या है आपका। तो यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल आपकी 160 स्पीसीज आपकी बर्ड्स की हैं, जो कि आपका यहां पर इनमें से 130 स्पीसीज जो है माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका कारावेटी बर्ड सेंचुरीज हैं, और नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें तो लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट है। तो इनको पढ़िए यार, इनको समझने की कोशिश करिए कि क्या है, क्योंकि अगर नहीं समझोगे तो फिर वही बात है कि आने वाले टाइम में हमारे लिए दिक्कत है, हमारे एनवायरमेंट के लिए दिक्कत है, और हम घर पे बैठ के सोचते हैं कि यार कितना बदल जाएगा ना, 2-4 साल के बाद फिर क्या कुछ हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाट क्वालिफाई है वेटलैंड, एक वेटलैंड क्या होता है, तो एक वेटलैंड आपका उसको साइट को एक प्रकार से मेजर किया जाता है, कंफर्म किया जाता है किसके बिहाफ पर, इकोलॉजिकल, बोटेनिकल, जूलॉजिकल और आपका लिम्नोलॉजिकल। ये लिम्नोलॉजिकल टर्म जो है वो एक प्रकार से हाइड्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात की जा रही है, मतलब वहां पर आपका पानी प्रेजेंट है, वाटरलॉग्ड सिचुएशन प्रेजेंट है, और उसके अंदर आपका एक्वाकल्चर या फिर यूं कह सकते हो कि कोई आपकी एक्वेटिक स्पीसीज वहां पर प्रेजेंट है, चाहे वो बर्ड्स की फॉर्मेट में भी हो, ठीक है। तो पर्टिकुलरली क्या है, इन साइट की वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर आपका वाटरफॉल, पर्टिकुलरली जो वाटर बर्ड्स होते हैं वहां पर, उनकी जो लाइफ है उनको बचाने के लिए, उनको एक प्रकार से आने वाले टाइम में उस पर्टिकुलर स्पीसीज को जो वहां पर अवेलेबल है उनको बचाने के लिए जो है इन साइट को हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। और एक्चुअल में अगर हम बात करें तो इन जो आपके 9 जो आपके स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उनमें से अगर एक क्राइटेरिया भी यहां पर आपका शामिल होता है तो आपकी जो है वेटलैंड साइट को उसको कंसिडर कर लिया जाता है। और आज प्रेजेंट टाइम में मैंने क्या बताया कि हमारे पिछले 50 साल के अंदर 35% क्या हो चुके हैं, वेटलैंड खत्म हो चुके हैं, तो उनको प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, उनको कंजर्व करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रिजर्व गलत वर्ड है, आपका कंजर्व आएगा। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ रामसर साइट, तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैंने अभी बताया कि एक्चुअली में रामसर साइट के साथ थ्रू क्या होता है कि आपका वर्ल्ड लेवल पर उस साइट को इंपॉर्टेंस मिलती है, वहां पर लोग घूमने जाते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस करती है, उनको कंजर्व करने की कोशिश करती है, उनका डेवलपमेंट होता है, वहां के एरिया जो पीपल्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है, और आपका एक प्रकार से आने वाले टाइम में उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो लोगों को बताई जाती है, वहां पर लोग देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, और उसी प्रकार से आने वाले टाइम में अगर हमारे आसपास के एरिया में भी कुछ ऐसा है तो हम उनको प्रिजर्व कर पाए, उनको भी हम लोग बचा पाए, ठीक है। वहां से आपका एक प्रॉपर नेटवर्क कनेक्शन क्रिएट होता है ग्लोबली, और उसी चीज को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने बताया था आपको कि टोटल 1.33 मिलियन हेक्टेयर एरिया 80 रामसर साइट्स के अंडर में आता है, और ये आपका फोर्थ ग्लोबली, वर्ल्ड के अंदर हम फोर्थ नंबर पे हैं रामसर साइट्स को आपका प्रिजर्व करने के केस में। नेक्स्ट है आपका 5 न्यू साइट्स जो है ऐड की गई है वेटलैंड, मैंने अभी बताया आपको जो अभी साइट्स आपको दिखाई थी, और टोटल यहां पर ये आपकी 75 साइट्स हैं जो कि ऑलरेडी मेंशन है पूरी की पूरी, ठीक है। तो जो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू इनको रिलीज किया गया है एक प्रकार से, इसी पोस्टर को एक प्रकार से, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका चैलेंज क्या है, तो चैलेंज यहां पर ये ज्यादातर आपके यूपी के पर्सपेक्टिव बताए गए हैं क्योंकि यूपी की एक केस स्टडी थी, डाउन टू अर्थ या फिर
आपका वायर के अंदर, तो उसी को मैंने यहां पर लिया है। और इसमें बताया जा रहा है कि आपका यूपी के अंदर 90% वेटलैंड्स है जो कि आपके प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर है आज भी, मतलब उनको प्रोटेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है। आज वहां पर क्या हो रहा है कि या तो वो लगातार मतलब प्रॉपर प्रोटेक्शन ना होने के कारण सूख चुके हैं, या सूखने के बाद उनको बिल्डर्स के हवाले कर दिया गया है। वहां पर बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन चुकी हैं, बहुत बड़े बड़े एक प्रकार से जो है मॉल्स बन चुके हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो साइट्स है वो कंप्लीटली खत्म होती जा रही है। दूसरा इनके खत्म होने का मेन कारण है आपका ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन। ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन की वजह से क्या होता है कि आपका पानी लगातार जब खत्म होता जाएगा तो आपका जो पानी है, क्योंकि पानी के वजह से ही तो इनको हम वेटलैंड्स बोल रहे हैं ना, और यही पानी अगर आपका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, पानी वहां पर अगर स्टैग्नेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली इनका आपका खत्म होगा, और वहां पर जो रहने वाली स्पीसीज है वो भी धीरे धीरे क्या होती स्टार्ट हो जाती है, एक्सटिंक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। आज हमने एक प्रकार से ना इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर अंधाधुंध आपका लॉस किया है इस एनवायरनमेंट का। अभी रिसेंटली जो हसदेव फॉरेस्ट है उनको भी बचाने के लिए बेचारे आदिवासी लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने घर पे बैठ के शायद न्यूज भी नहीं पढ़ा होगा उसके बारे में कि ये होता क्या है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है कि हम इनके बारे में आवाज उठाएं, हम इनके बारे में बोलें, हम इनके बारे में बार बार जो है सोशल मीडिया पर या फिर जहां पर भी हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है इसके बारे में हम अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, या फिर लोगों से पूछ सकते हैं, क्योंकि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक वाजिब जगह पर वाजिब क्वेश्चन अगर नहीं पूछोगे तो डेफिनेटली आपकी आवाज को आज भी दबाया गया है और कल भी दबाया जाएगा। आप चलो ठीक है बाकी चीजें छोड़िए कि किसी भी चीज के लिए खड़े हो रहे हो, लेकिन अगर इसको नहीं बचाया गया, हम धर्म को बचाने की बात करते हैं, बचाना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको नहीं बचाया तो फिर खुद भी नहीं बचोगे, चाहे कुछ भी कर लेना, किसी भी प्रकार से आप लोग लगे रहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका यहां पर वही है कि इंपॉर्टेंस बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में अगर 1992-1993 के अंदर एक प्रकार से रिवर्स कैनाल्स और इरिगेशन एरिया को छोड़कर टोटल आपका 8.26 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है आपका नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री के द्वारा यूपी के अंदर डिजाइन फाइंड आउट किया गया था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 2007 के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली ये एरिया जो है आपका यहां पर फाइंड आउट किया गया कि 43,614 वेटलैंड साइट है जिनको अभी प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, जिनको बचाने की आवश्यकता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में इनके लिए काफी कुछ फोकस किया जा रहा है, जैसे ग्रीन आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो कि आपका मार्च 2021 के अंदर इन्होंने क्या किया था, आपका एक डेडलाइन क्रिएट की थी कि आपका जो वेटलैंड्स है उनको प्रिजर्व किया जाए यूपी के अंदर, लेकिन अब इसकी डेडलाइन के क्रिएट होने के बावजूद भी कुछ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। फार्मर मतलब फॉर एग्जांपल वहां पर जो खेती कर रहे थे वो आज भी लगातार उस लैंड को पर्टिकुलरली बेचते चले जा रहे हैं, या फिर यूं कह सकते हो कि वहां पर जो एरिया आपका है वो लगातार बिल्डर्स के हवाले किया जा रहा है, और जिसकी वजह से वहां पर लगातार बहुत बड़ी बिल्डिंग्स आपकी क्रिएट हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रिजर्विंग द वेटलैंड इकोसिस्टम, तो वेटलैंड इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, या फिर यूं कह सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन हैं जो आपका यहां पर यूपी के अंदर भी लिए गए हैं और वर्ल्ड लेवल पर इंडिया लेवल पर भी इनको लिया गया है। एज वेल एज अगर हम करें तो आपका यहां पर ये मतलब वही बताया गया है कि किस प्रकार से ड्रोन्स और बाकी चीजों को लेकर या फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस के थ्रू लेकर आपका यूपी के अंदर जो है बचाने की कोशिश की जा रही है किसको, वेटलैंड की, लेकिन फिर भी आपका उतना एरिया हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट को भी फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वर्ल्ड वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए इंडिया के अंदर, तो 2011 से लेकर ये टोटल आपके 2023 तक सारे के सारे जो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है। सबसे पहले आपका आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन 2011 है, दूसरा आपका नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम 2013 है, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 है, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 है, वेटलैंड रेजुवेनेशन प्रोग्राम आपका 2020 है, और आपका इंटीग्रेशन विद नमामि गंगे 2021 है, और आपका नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से 2031 तक आपका ये टारगेट रखा गया है, और अमृत धरोहर आपका स्कीम, अमृत धरोहर स्कीम तो रिसेंटली जून 2023 में ही आपकी क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी, और इस स्कीम के अंदर टारगेट किया गया था, अभी रिसेंटली आपके 5 साइट्स हैं जिनको आपका एक प्रकार से पायलट बेसिस पर ऐड किया गया है, जिसके अंदर आपका हरियाणा के अंदर आपकी जो बर्ड सेंचुरीज हैं और एज वेल एज आपका एमपी और ओडिशा के अंदर जो चिल्का झील है उनको भी इसके अंदर ऐड किया गया है, और देखा गया कि इनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जा सकता है और वहां पर आपका टूरिज्म को किस प्रकार से प्रमोट किया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर बुलाया जा सके, और दूसरी तरफ आपके एनवायरमेंट को जो वहां पर आपका बायोडायवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए कोशिश की जा सके। तो उसी के अंडर में क्या है कि ये आपके अलग-अलग इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से ताकि वेटलैंड को प्रिजर्व किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका
यूँ कह सकते हो कि अभी तक आपका जो वेटलैंड है उसके बारे में काफी चीजें फोकस की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई उसको बचाया जाए, और ना कि केवल इंडियन गवर्नमेंट बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी इसको कोशिश की जा रही है कि प्रोटेक्शन इसकी की जाए। तो ये पूरा का पूरा सेशन था वेटलैंड के ऊपर, और मैंने यहां पर कोशिश की है कि आपको डिफाइन कर सकूं, लेकिन क्या है कि प्रेजेंट टाइम में हमारा इंटरेस्ट इन बातों को छोड़कर कहीं ना कहीं बाकी बातों में अलग है ना, तो हम उनके ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं, शायद उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन दीजिए, लेकिन अगर आज नहीं तो कल आपको समझना पड़ेगा। बहुत लंबा टाइम नहीं है कि जब हमें इसकी भी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि ये क्या है और क्यों हमें बचाना चाहिए था, और बाद में ये चीजें समझ में आने से कहते हैं कि उस टाइम तक समय निकल चुका होगा और उसके बाद हमें बहुत सारी चीजों का रिग्रेट भी होगा कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग फोकस करिए अपने जिस भी काम पर कर रहे हैं, लेकिन ये समझिए कि आज नहीं तो कल इसकी रिक्वायरमेंट होगी, इनको बचाने की कोशिश करिए, इनकी इंपॉर्टेंस को समझिए और लोगों के साथ शेयर करिए मैक्सिमम कि क्या है, एटलीस्ट कुछ तो पता चले लोगों को कि क्या हो सकता है, किस प्रकार से बचाया जा सकता है, क्योंकि आज अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के अंदर इनको बचाने की भी आवश्यकता है, इनके प्रोटेक्शन करने की भी आवश्यकता है। वर्ल्ड में तो बाद में जाएंगे, हमें आसपास जो अवेलेबल है वेटलैंड एरिया उसको ही प्रोटेक्ट कर लें, आपके प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर लें, आपकी जो स्पीसीज है उनको बचा लें, आपका एनवायरमेंट के अंदर हम लोग जो पॉल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको कम कर लें, इन सबको ही कम करने से ही फर्क पड़ेगा, और फर्क एक बार से नहीं पड़ेगा, फर्क बार बार रिपीटेशन करने से पड़ेगा, फर्क तब पड़ेगा जब हम लोग एक्शन लेंगे, बिना एक्शन लिए कभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उम्मीद करता हूं कि ये सब बातें आपको समझ में आई होगी, और इसी के साथ आप शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम भी आपकी तरफ एफर्ट्स कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट कुछ चीजें आपके सामने लेकर आ सके, हमें भी इन चीजों के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए आता है क्योंकि आज प्रकृति की रिक्वायरमेंट है, नेचर की रिक्वायरमेंट है, एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट हमें भी है और आपको भी है, तो हम आपके साथ एटलीस्ट एजुकेशन के साथ साथ ऐसी चीजें भी शेयर करना चाहते हैं ताकि आप इनको समझ सकें। और एक चीज और समझना कि यहां से आपके एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव भी इसको जरूर पढ़ने की कोशिश करना। चलिए तो इसी के साथ आपका आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मजे में रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।